अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त सर्व आपके से होंगे और जिंदगी के मजे लूट रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हम दोनों भी बिल्कुल ठीक ठाक। किसने कह दिया, मैंने कह दिया, एक कोई गल आओ जिंदा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल गर्मी इंतहा की पड़ रही है। आज भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड सियालकोट का टेम्परेचर था, कल से थोड़ा कम। यह की माइक फिर ठीक है, कल से थोड़ा कम था, बस खाई ना ठीक हो गया। तो आपको गर्मी की नस्बत से जो है ना कुछ ठंडा खाने को दिल करता है इंसान का। आज हम दोनों ने फैसला किया, अब सोच रहे थे सुबह से कि अली क्या खाएं, मैं से पूछ रहा था। फिर अली ने कहा कि चल आज ये सियालकोट का सबसे पुराना फलूदा ट्राई करते हैं, जो कि तकरीबन 120 साल पुराना है, 120-122 साल पुराना है। हम लोग कहाँ इस वक्त मौजूद हैं, चौंक दो दरवाज़ा खटीकाला बाज़ार ये कहलाता है। ये पीछे हमारे चौंक दो दरवाज़ा है और ये पूरे बाज़ार को कहते हैं खटीकाला बाज़ार। क्यों कहा जाता है ये तो मालूम नहीं। और किस दुकान रही, नवाब दिन कुल्फ़ी फलूदा हाउस। चलें भाई चलते हैं दुकान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाईजान क्या हाल चाल है, आप ऑनर हैं दुकान के? जी मैं नवाबद्दीन की चौथी पीढ़ी हूँ। तो जिन्होंने शुरू किया था उनका नाम था नवाबद्दीन। सन 1902 में ये स्टार्ट हुआ था, तो गलबन 120 साल से अबव टाइम हो गया इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीन पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, अभी फादर हैं मेरे, तो चौथी पीढ़ी मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी रिस्पांस मिलती है, जो बड़ों ने मेहनत की हुई है उस हवाले से ना बड़ा दिल खुश होता है कि जो उनकी मेहनत है वो अब हमारे काम आ रही है। अच्छा, तो ये 120 साल से, सन 1902 से आपकी दुकान यहीं पर है कि पहले कहीं और पर स्टार्ट हुई थी? बिल्कुल यहीं भी है, यहाँ भी स्टार्ट लिया था मैंने। दो दरवाज़ा जो कि मशहूर इधर के हैं कि दो दरवाज़ा में सन 1902 में यहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा, नवाबद्दीन फलूदा हाउस, जैसा आप लोगों ने सुना है कि 1902 से यहाँ पर सियालकोट में इसी जगह पर काम कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात हो कि इतने लंबे अरसे से एक फ्लेवर को लेकर चलना। आपके फ्लेवर के बीच, आपके फलूदा के फ्लेवर के बीच ऐसी क्या खास बात है जो आपको लगता है कि किसी और में नहीं, कि 120 साल से पूरा शहर जो है इनके फलूदे का दीवाना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मिलावट नहीं है, जो नेचुरल दूध हम लेते हैं उसी को हम गाढ़ा करके खोए की शक्ल में लेके आके इससे कुल्फियाँ भी बनती हैं और फलूदा भी बनता है, जिसको हम रबड़ी कहते हैं, रबड़ी मीन्स खोया। खोया तो ये नेचुरल हमारे पास, ये जो बड़ों ने नुस्खा दिया हुआ है तो यही अल्लाह का शुक्र है तक चल रहा है। तो उसकी वजह से ही जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, जो लोग आके कहते हैं कि आपका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसा किसी का नहीं है। वो इसलिए कि ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी नहीं हम डालते अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसको भी कोई अगर शक हो वो आके देख सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह जब मर्जी आ। अच्छा, यहाँ पर करीबी इलामा इकबाल का घर है, तो नवाबद्दीन जो नाश्ते वाले हैं वो तो बताते हैं कि इलामा इकबाल साहब हमारे पास नाश्ता करने आते थे। मेरा जो है ना ये सवाल मेरे दिल में आता था, तो मैंने कहा आज भाई से पूछ भी लूँ। कभी बड़ों से कोई ऐसा उन्होंने बताया हो कोई वाक्या कि इलामा इकबाल यहाँ पर उन्होंने कभी फलूदा भी खाया हो सियालकोट में आपकी दुकान पर? हाँ जी बिल्कुल, इलामा इकबाल हो गए, उसके बाद ख्वाजा आसफ के जो फादर थे वो भी आते रहे जी, उसके बाद जो अल्लाह आपका भला करे नवाज शरीफ साहब आते रहे हैं वो माशाल्लाह। तो काफ़ी मतलब को जो सियासतदान है वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली हमारी शॉप है। जैसा कि भाई ने बताया कि सियालकोट की सबसे पुरानी और सबसे पहली शॉप है जिसने फलूदा सियालकोट में इंट्रोड्यूस करवाया। तो इलामा इकबाल शायर मशरक इलामा मोहम्मद इकबाल ने भी इनसे फलूदा खाया हुआ, आज भाई ने ये हमारी वीडियो में बता दी है। अभी हम लोग भी फलूदा ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या इनके फलूदे क्या खास क्या बात है और कैसा टेस्ट है। जज़ाकअल्लाह भाई, क्या डाल रहे हैं? लच्छे नूडल्स। इनका टेस्ट नहीं होता लेकिन ये ठंडे होते हैं तसील में, इनका फ़ायदा बड़ा होता है जी। ये सुना माया से बनते हैं? जी सर बिल्कुल, बजाज सुना है। ये सर बर्फ़ है? बर्फ़ ये तोड़ी हुई है जी सर, कूटी हुई है, कूटी हुई। इसके बाद सर ये रबड़ी जो मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि जो मैं अभी आपको टेस्ट बना के दूँगा वही टेस्ट ना हो तो मैं हाजिर हूँ। कुल्फी खालिस जो है भाई बता रहे हैं जी, और भाई ने चैलेंज किया है, ओपन चैलेंज ये वीडियो में इन्होंने किया है कि कोई भी आके हमें साबित कर दे कि ये खालिस नहीं है।
ये छुरी से भाई ने काट दी है। इसका चैलेंज करूंगा इंशाल्लाह। और ये जा रही है फलूदा के अंदर। नंबर आप मेरा दे दीजिएगा जी जी। इंशाल्लाह फलूदा तैयार रेडी जी सर। ये क्या चीज़ है? ये सर मीठा, मीठा चाशनी जिसे कहते हैं जी। ये आ गया चाशनी ऊपर और हो चुका है जी फलूदा तैयार। अब ऊपर दोबारा जो है ना ये रबड़ी के ऊपर से भाई मलाई डाल रहे हैं सर। इसकी खूबसूरती और इसकी जो टेस्ट इसका होगा ना जी जी, वो इंशाल्लाह आप मुझे। लोगों का छोटा सा हॉल है जो कि 120 साल पुराना, यही दुकान है इनकी। और ऊपर जो है ना वो फैमिली हॉल बनाया हुआ है। फैमिली हॉल में तो हम नहीं जाएंगे, हम लोग बैठ जाते हैं। फलूदा हमारा आ चुका है और देखकर मुंह में भी पानी आ रहा है और रुका भी नहीं जा रहा है कि हम दोनों ये बिना ट्राई करने लगे थे। मुझे फिर याद आया था ऐसे ब्लॉग बनाना आए थे, वो तो पहले बना लेंगे। पहले मैं जो इसको रिव्यू करता हूँ, क्या अली करेगा। चल खा ले जी। भाई ने हमें कहा है कि ये देखे फलूदा हमारा आ गया हमारे सामने। भाई ने हमें कहा कि पहले इसको मिक्स करें फिर इसको ट्राई करें, तो मिक्स इसको हम कर लेते हैं। ये सबसे पहले भाई ये जो है सोच लो सारे चीज़ें हम मिक्स करते हैं अच्छे से। कुल्फी का एक पीस, लच्छे, बर्फ, सब कुछ एक ही आ गया है चमचे के बीच। मुँह छोटा खोल भाई। कुल्फी के टेस्ट से मालूम हो रहा है कि खालिस कुल्फी है, बिल्कुल कोई इसमें मिलावट नहीं। कमाल, मज़ेदार। भाई मैं तो इसको बिल्कुल जो है ना जल्दी में खाता जा रहा हूँ। इस चक्कर में अली का जो है फलूदा पिघल ही ना जाए, इसलिए अली साहब आप बताएंगे कैसा मेरी तरफ से। तो जी अली भाई यार मिशक कर तो कर लेने दो भाई। ये फलूदा ऐसी चीज है कि ज्यादा देर तक इसको रख नहीं सकते, जल्दी जल्दी खाना पड़ता है, पिघल ही ना जाए। अली भाई ने चमचा अपना तैयार कर लिया। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कमाल और एक अच्छा टेस्ट है। पिघलने के बाद भी मजा आ रहा है, इसने अभी पिघल तो दिया है। पहले पिघल के हम ये खाते हैं, खा लेते हैं और दैट खाने के बाद आप लोगों से पहली गली खाना है भैया। पिघलना चाहिए नहीं, जल्दी खा रहे। पहली दफा खा रहे हैं, मुझे बस है दस। नहीं भाई तुम सा रखा सुकून नल कैसा आपके पिघल गया था, फिर मजा थोड़ी आना। शैतान वाले काम होते हैं जल्दी के। तेरा दोस्त उससे सीखता हूं अच्छे। वो देखो सारा बाइंड आ रहा है, बच्चों की तरह खा रहे हो। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੇ। ਫਲੂਦਾ ਖਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਫਲੂਦਾ ਵੇਲੇ ਕਿੰ ਤੇਰੇ ਕਮਾਲੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਲਾਗਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘਟ ਛੜੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਐ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫਲੂਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਪਿਘਲ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਫਲੂਦਾ ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਲੀਕਵਿਡ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕਵਿਡ ਫਲੂਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਨਹੀਂ 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 ਰੋਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਆ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਰਬੜੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਬਲਾ ਕੇ ਐਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਭਾਈ ਰਬੜੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ 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 ਤੇਰੀ ਜਾਨੂ ਤੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਾ ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਡਾਲਨੇ ਲਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਹਮ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਨਸ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਿਓਰ ਖੋਇਆ ਜੋ ਹੈ ਅਲੀ ਕੇ ਲਈ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਹਾਂ ਉਂਝ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਲੌਗਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਖੋਇਆ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿਓਰ। ਯਾਰ ਲਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਘਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਛੇਤਰੀ ਕਦਰ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਕਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 2000 ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈ ਫਿਰ। ਬਾਈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੇਰੇ 2000 ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਮਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹਾਏ ਮਜ਼ੇ ਹਾਏ 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 ਮਜ਼ੇ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। जनाब हम लोगों ने तो खा लिया फलूदा, हो गए हैं फ्री। कैसा लगा आपको फलूदा? माशाल्लाह बहुत अच्छा, यमी मजे मजे यमी हाय मजे मजे हो गए। नहीं मजे हो गए, मजे हो गए। सियालकोट के बीच जितने भी जो फूड ब्लॉगर आते हैं वो लोग नवाबदीन फलूदा हाउस पढ़ना लाजमी होकर जाते हैं, क्योंकि सियालकोट के
एक पुराना जो है ना फूड स्पॉट है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को हमारा ब्लॉग देखकर कैसा लगा? मजा आया है। सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि मेरे भी आने वाले तमाम व्लॉग सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। घंटी वाला ऑप्शन है तो बाद में नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।